Good morning students and welcome back to your business study classes. Today we will discuss the chapter company organization. हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जॉइंट हिंदू फैमिली है वो कंप्लीट हो चुके हैं सारे चैप्टर. तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है. देखो जो कंपनी क्या होती है, जो कुछ पर्सन क्या करते हैं, विलिंगली क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, क्या अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. और जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या की जाती है, रजिस्टर की जाती है. ठीक है, देखो क्या होती है कंपनी. कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली एस्टेब्लिश बाय सम पर्सन. कुछ पर्सन एस्टेब्लिश करते हैं, किस लिए एस्टेब्लिश करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर उसको रजिस्टर कराया जाता है. देखो फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के. फर्स्ट फीचर आता है हमारा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर कराना उसको. देखो कंपनी क्या है कि भी जो भी पर्सन इसको एस्टेब्लिश करते हैं वो इसको रजिस्टर कराते हैं. और कोई भी सिंगल इंडिविजुअल ऐसे ही कंपनी नहीं बना सकता. अगर तो देखो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए. ठीक है, तो अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए. सेकंड वन आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लॉ के थ्रू बनाई गई है. ठीक है, देखो कंपनी की ना ही कोई बॉडी है ना ही कोई क्या है सोल है. ठीक है, बट ये क्या है, लॉ के थ्रू बनाई गई है. अब इसी कंपनी के नेम से ही हम किसी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं. और कोई भी हमारी कंपनी को कंपनी के नाम से ही क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है. ठीक है, तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल क्या है, पर्सन है. नेक्स्ट है प्रीपेक्चुअल सक्सेशन. प्रीपेक्चुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कंपनी की हमारी क्या है, देखो जो लाइफ है वो क्या होगी, चलती ही रहेगी. देखो एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले इसमें पॉइंट में बताया था, तो कंपनी की कोई नेचुरल डेथ नहीं होती. देखो कंपनी में मेंबर आए चाहे मेंबर जाए, बट कंपनी तो हमारी क्या होगी, चलती ही रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी में देखो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी. यानी कि जितना उन्होंने अपने इन्वेस्ट कर रखा है, जितना पैसा लगा रखा है, अगर कल को लॉस हो जाता है तो वो उतना ही देंगे. उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी नुकसान नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन सील. कंपनी की क्या है, देखो कंपनी एक, मैंने पहले ही बोला है कंपनी क्या, एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी अपने आप तो अपने सिग्नेचर नहीं करेगी. तो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी की कोई भी फाइल होती है, कुछ भी होता है, कुछ हमने कंपनी को आइडेंटिटी देनी है तो हम एक कॉमन सील का यूज करते हैं. जैसे स्टैम्प होती है उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, देखो अंडर कंपनी एक्ट राइट टू यूज कॉमन सील हैज बीन गिवन टू इट. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. देखो जो कंपनी में क्या होता है, ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होती है वो अलग अलग होती है. देखो बहुत सारे ओनर्स होते हैं कंपनी के और वो जगह जगह काम कर रहे होते हैं. ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस उनका होता है कंपनी से, तो वो क्या करते हैं, कुछ अपने पर्सन अपॉइंट कर लेते हैं जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं. ठीक है, तो जो वो पर्सन अपॉइंट करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं. तो कंपनी की ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में होती है. देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ ओनर्स इन अ कंपनी इज वेरी लार्ज. बहुत लार्ज होते हैं वो, डिस्टेंस प्लेसेस पे होते हैं और वो डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटी है कंपनी की उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. तो वो क्या करते हैं, कुछ पर्सन अपॉइंट कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं. तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कंपनी. अब हम पढ़ते हैं, देखो कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है. देखो कंपनी
जो फॉर्म होती है कंपनी का, जो एक्ट होता है वो क्या होता है, कंपनी एक्ट 2013। और जो पार्टनरशिप का एक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको पार्टनरशिप चैप्टर में बताया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो कंपनी है, फॉर्मेशन कैसी होती है कंपनी की, वो लॉ के थ्रू बनाई जाती है। और जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कैसी होगी, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन। देखो, कंपनी को रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने कंपनी को रजिस्टर नहीं कराया तो वो इलीगल मानी जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी, आप करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते। नेक्स्ट है आता है लाइबिलिटी। देखो, कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है सेपरेट एंटिटी। कंपनी क्या है, अभी मैंने बताया है, लीगली क्रिएटेड है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, यानी कि कंपनी में जितने भी वर्क शेयर होल्डर्स काम कर रहे होते हैं उनकी अलग आइडेंटिटी है और कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है। लेकिन पार्टनर्स की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती मेंबर्स के, ठीक है। दोनों क्या माने जाते हैं, सेम ही माने जाते हैं फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था हमारा कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से व्यू करना है आपको बार बार, और जो मैं आपको नोट्स सेंड करूँगी अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन।